तो दोस्तों, दुनिया भर के अलग अलग स्टेट्स में हो रहे क्रिप्टो स्कैम्स में अब अमेरिका के यूटा स्टेट में भी क्रिप्टो स्कैम्स की घटनाएं तेजी से बढ़ती जा रही है। हाल ही में यूटा में क्रिप्टो फ्रॉड स्कीम में 722 मिलियन डॉलर्स क्रिप्टो करेंसी धोखाधड़ी हुई है और उसमें हजारों की तादाद में इन्वेस्टर्स शिकार हुए हैं। नमस्कार, मैं संदीप कसालकर 3.ओटीवी के इस खास शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का स्वागत। आज हम देखेंगे कि किस तरह से यूटा स्टेट्स में फॉल्स क्रिप्टो स्कीम्स में अंजाम दिया गया और कौन सी कंपनीज इस स्कैम्स में शामिल है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मिले जानकारी के अनुसार बिटक्लब नेटवर्क ये कंपनी इस फ्रॉड स्कीम को 2014 से 2019 के दौरान चला रही थी। अब फेडरल अथॉरिटीज यूटा में अलग अलग कंपनियों से 22 मिलियन डॉलर्स जब्त करना चाहते हैं जिन्होंने कथित बिटक्लब स्कीम में इन्वेस्टमेंट्स प्राप्त किया है, जिसमें पहला नाम है एवरमोर पार्क, उसका है जिसे प्लीजेंट ग्रूव में इमर्सिव थीम पार्क के नाम से भी जाना जाता है, उसने $500,000 की इन्वेस्टमेंट प्राप्त की है। दूसरा है ग्रिड, जिसे दुनिया में सबसे लंबे इंडोर गो कार्ट ट्रैक के रूप में माना जाता है, उसने 1.6 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट प्राप्त की है। और तीसरा है किल, जिसका लेह और सॉल्ट लेक सिटी में ऑफिसेस के साथ एक टेक फोकस को वर्किंग स्पेस है, उसने करीब 8.4 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट प्राप्त की है। अब देखते हैं क्रिप्टो करेंसी कंपनी से पैसा यूटा बिजनेसेस में कैसे आया। तो कोर्ट के दस्तावेज से इस बात का पता चला है कि यूटा आधारित कंपनियों द्वारा प्राप्त इन्वेस्टमेंट्स बिट क्लब नेटवर्क के माध्यम से बिट वेल्थ इन्वेस्टमेंट्स और बिट वेल्थ होल्डिंग्स में भेजा गया था, जो कि एक लोकल एंटरप्रेन्योर गेविन डिक्सन से जुड़ी थी। हालांकि डिक्सन को मामले में आरोपित नहीं किया गया है, लेकिन अदालत के दस्तावेजों में ये कहते हुए दिखाई दिया है कि उसने अपनी कुछ कंपनियों के माध्यम से बिट क्लब से पैसा निवेश किया था। बता दें कि डिक्सन एक एंटरप्रेन्योर है जिन्हें पेंडेमिक के दौरान 3 रेस्टोरेंट्स खोलने के लिए सराहा गया था। उन्होंने ग्रेट सॉल्ट लेक में फ्रीमोंट आइलैंड को पहले खरीदा और बाद में बेच दिया। उन बिजनेसेस का नाम फिलहाल बिटक्लब पर फेडरल फाइलिंग में नहीं है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने बिटक्लब नेटवर्क पर एक वर्ल्ड वाइड फ्रॉडलेंस स्कीम संचालित करने का आरोप लगाया है, जो क्रिप्टो करेंसी में जमा इन्वेस्टमेंट्स के शेयरों के बदले में इन्वेस्टर से पैसे मांगता है। बिटक्लब नेटवर्क और उसके फाउंडर्स के खिलाफ दायर 2019 के फाइल के अनुसार एलिज विक्टिम्स का मानना था कि वे बिटकॉइन माइनिंग के जमा इन्वेस्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन कथित तौर पर चालाक मार्केटिंग और डिसेप्टिव एल्गोरिदम द्वारा किए गए धोखाधड़ी में लाखों लोगों को फीड भी कर रहे थे। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार मामले में लीड डिफेंडेंट मैथ्यू ब्रेंट गोइसले, जिसे न्यू जर्सी के डिस्ट्रिक्ट में आरोपित किया गया था, उसने अपने एक साथी से कहा कि ये बिजनेस उन्हें बहुत जल्द रिच बना देगा। इंडिटमैन ने गोइसे के मैसेज को अपने सॉफ्टवेयर डेवलपिंग पार्टनर को शुरुआती इन्वेस्टर्स को लुभाने के लिए फॉल्स माइनिंग अर्निंग्स बनाने का निर्देश दिया, ये सुनिश्चित करते हुए कि शुरुआती पेआउट नंबर्स इनकंसिस्टेंट दिखाई देते हैं, इसलिए उन्हें हेरफेर के रूप में नहीं माना जाएगा। एक मैसेज में उन्होंने अपने टारगेट ऑडियंसेस को टिपिकल डम MLM इन्वेस्टर के रूप में भी डिस्क्राइब किया है। बिटवेल्थ होल्डिंग्स के निर्माण के बाद से डिक्सन का नाम यूटा फाइनेंशियल सर्कल्स में अधिक से अधिक पॉपअप करना शुरू हो गया। गेविन डिक्सन को एक डेयरिंग बिजनेस जीनियस के रूप में घोषित किया गया, एक सीरियल एंटरप्रेन्योर वंडर किंग जिसने एक टीनेजर में अपनी शुरुआत की, जो टोनी रॉबिन्स जैसे बिजनेस टाइटन्स एग्जीक्यूटिव्स और गुरुओं के लिए जैस टिकटों की दौड़ में शामिल हो गया ताकि वो उसके पास बैठ सके और गेम के दौरान नेटवर्क बना सके। एक इंटरव्यू के दौरान डिक्सन ने कहा कि उन्होंने 2009 की मंदी के बाद रियल एस्टेट में एक फॉर्चून को खो दिया और फिर टॉप आकर इवेंचुअली 2017 में 50 मिलियन डॉलर्स के वेंचर कैपिटल फंड को मैनेज किया। डिक्सन पहली बार 2018 में सुर्खियों में आए जब उन्होंने डीजल ब्रदर्स टेलीविजन शो के मॉन्स्टर ट्रक लविंग स्टार्स के साथ पार्टनरशिप में ग्रेट सॉल्ट लेक में फ्रीमोंट आइलैंड खरीदा, जिसमें आइलैंड को डेवलप करने के प्लान्स थे। कोलोराडो के लाफायट में गोइसे के घर के लिए फाइल बिटक्लब मामले में एक सर्च वारंट एप्लीकेशन में डिक्सन का नाम भी बताया गया है कि कैसे गोइसे ने कथित तौर पर बिटक्लब ऑपरेशन से एसेट्स को ट्रांसफर किया और छुपाया। दस्तावेज में कहा गया है कि जांच में आगे पता चला है कि गोइसे को गेविन डिक्सन और मोस्ट अमेजिंग बॉक्स LLC द्वारा बनाए गए अकाउंट से बिटक्लब नेटवर्क से फंड्स मिला था।
विगॉर्डन बेकस्टेड जो कि एक नेवाडा अकाउंटेंट है, उसने बिटलब स्कीम में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गोयस से, जो कि इस मामले में लीड डिफेंडेंट है, उसकी सहायता की और एक नकली टैक्स रिटर्न का मसौदा तैयार किया ताकि गोयस से को फेडरल इनकम टैक्सेस में $20 मिलियन से अधिक का भुगतान न करना पड़े। फाइलिंग ने अब तक 1,500 पीड़ितों की पहचान की है और अफ्रीकी देश कैमरून से एक व्यक्ति के राइटिंग से एक कस्टमर सर्विस कंप्लेंट का हवाला दिया है। एलिज विक्टिम ने परेशान होकर कहा कि जिनकी वजह से इतने सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, वो बेघर हुए हैं, वो नरक में सड़ेंगे। तो आपने देखा कि इस स्कैम्स में डिक्सन गोयसे और गॉर्डन बेकस्टेड का नाम सामने आ चुका है। अब देखना यह होगा कि स्कैम को लेकर आगे और किन किन लोगों के नाम सामने आते हैं और किस तरह की कार्रवाई होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं ऐसे ही वेब 3 से जुड़े क्राइम्स फ्रॉड्स को लेकर। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर फिलहाल आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए 3.0 टीवी।